और नई फसल नई उमंग में हम जो बात करेंगे ढेंगरी खोम की खेती। तो साथियों अब जो चर्चा का दूसरा विषय हम ले लेते हैं और इसमें जो हम बात कर लेते हैं बीज बैंक की। देखिए जो बीज बैंक है ये अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए बीजों का भंडारण करता है, इसलिए वो एक प्रकार का जीन बैंक है और बीजों को स्टोर करने के कई कारण है। एक जीन को संरक्षित करना जो पादप प्रजनन को फसलों की उपज रोग प्रतिरोधक क्षमता सुख सहनशीलता पोषण गुणवत्ता स्वाद आदि बढ़ाने की इसमें जरूरत होती है। और जो दूसरा है वो जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास में जो दुर्लभ या फिर संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों में अनुवांशिक विविधता के कारण नुकसान को इसमें रोकना है। तो साथियों इसमें कई पौधे जो सदियों पहले मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाते थे अब कम उपयोग किए जाते, तो बीज बैंक उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है और लगातार कम तापमान और कम नमी पर संग्रहित बीजों के संग्रह को अनुवांशिक संसाधनों के नुकसान को ये बचाता है। और भाइयों जो बीज बैंक है जो देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री की जो घोषणा है वह भलीभूत पूरी हो रही है और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बीज बैंक योजना को बड़े पैमाने पर शुरू करने का जो ऐलान कर रखा है। इसके तहत भाई अब देश भर में जिलेवार बीज बैंक भी बनेंगे और इसके लिए किसानों को ही बीज बैंक का भाई लाइसेंस भी दोगे। तो साथियों इस प्रकार की योजनाएं तो इसमें किसान बीज के उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे और इसमें साथियों ऐसे कई बीज की गुणवत्ता के चलते ही बड़ी कम पैदावार या बीमार जो फसल जैसी ये जो हमने मुसीबत झेलनी पड़ती ऐसे में कम किसानों को इस दिशा में सक्रिय करने के लिए जो मंत्रालय ने भाई बहुत बढ़िया ये कदम उठा रही है। और जो बीज बैंक यदि बढ़िया हो गए तो साथियों हम एक बढ़िया पैदावार लेंगे और जो लुप्त हो रही है जो चीज़ें वो भी हमारे संरक्षित रहेगी और बीज के जो उत्पादन किसानों को बीज उत्पादन भाई क्षेत्रीय प्रबंधन या फिर केंद्रीय प्रभारी द्वारा इस पादार बीज पर मूल्य का भुगतान लेकर उपलब्ध कराया जाओगा। और कृषि किसान कल्याण जो विभाग की अगर जो हम बात करें साथियों पूरा बहुत अच्छा सहयोग कर रही है और जो बीज बैंक है साथियों इसमें जो हम बता रहे हैं कि पौधों को तनाव से निमटने के लिए विकसित रणनीतियों के बारे में अगर जो बहुमूल्य जानकारी है तो उसका उपयोग हम अनुवांशिक रूप से इसमें संशोधित बनाने के लिए हम इसमें करते हैं। और मौजूदा बीजों का जो संस्करण था वो बीज बैंकों का काम अक्सर दशकों और या तक की सदियों तक इसमें रहता है। तो इसी तरह एक दूसरी जानकारी हम साथियों के साथ बांट लेते हैं और ये है बरसात के मौसम में मचान विधि से मिलेगा घिया तोरी और करेले का जो अधिक उत्पादन। वो किस तरह? क्योंकि मानसून के मौसम में घिया तोरी और करेला प्रदेश में बहुत ही व्यापक क्षेत्र में लगाया जाता है क्योंकि इस मौसम में बरसात के कारण पौधों की वृद्धि इसमें होती है। तो भाई इस फसलों को बारिश के अधिक पानी से बचाने के लिए हमने मचान या फिर जो जाल है उसका प्रयोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। और अगर जो इसके बारे में हम जो अच्छी तरह बात करें तो सब्जियों की जो बैले वो बांस की सहायता से जाल के ऊपर फैल जाती है जिससे सूर्य का प्रकाश नमी तापमान और हवा का आवागमन बढ़ जाता है। और इस विधि से प्रत्येक जो मादा फूल पर मधुमक्खी द्वारा परागण होता है जिससे प्रत्येक मादा फूल जो फल को अच्छा खासा आकार ले लेता है और समतल जमीन की तुलना में मचान जो विधि है वह 80-100% तक इसमें पौधों पर फल ज़्यादा इसमें लगते हैं। यानी कि बढ़िया कि जाल से बिछा कर और मचान विधि के अपनाने से जो फसल में कीट व बीमारी का प्रकोप न के बराबर रह जाता है और इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ लेते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहे पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और तो सभी डाले सब नहीं